सो हेलो गाइस, माय नेम इज किम एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट पार्ट अभी सीलेट से पावागढ़। सो अभी आप आंखें देख के बता ही सकते हैं और 7 बजे उठा हूँ मैं, अभी नहाने जा रहा हूँ। सो नहा के आपसे बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सभी लोग सो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ नहाने भाई, जल्दी नहाने लेता हूँ। सो नहाने चलते हैं, चलो नहा के आपको मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो अभी नहा के आ गया हूँ, रेडी भी हो गया हूँ हेयर ड्रायर मार के। सो अभी थोड़ी देर सोने की कोशिश करता हूँ, अगर नींद आए तो, नहीं तो फिर कुछ कहते हैं बाहर जाएंगे या कुछ ऐसा। सो अभी तो देखते हैं कि नींद आती कि नहीं आती। गाइस देख सकते हो चाय नाश्ता लेकर आ गया मैं, और अभी लोग कुछ नहाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो अपना नहा के आ गया। सो चाय नाश्ता करता हूँ। तो गाइस देखा कि आरती खत्म हो गई। आरती खत्म होने के बाद हमने खाना खाया। तो खाना खाने के बाद अभी थोड़ी देर बाद हम लोग चल रहे हैं। तो अभी सभी लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया, देख सकते हो पीछे भी है। तो अभी चल रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, देख सकते हो आप पूरा रोड गीला है, हाथ में भी छींटे आराम से आ जाए, इतनी बारिश हो रही है। और चप्पल भी मतलब स्लीपर भी हमारे गीले हैं। तो यार अगर तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो पैर में छाले पड़ना नक्की है। सो तो देख सकते हो कॉमेडी करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जाते हैं आगे, आगे आएगा सिद्धिविनायक मंदिर। तो दर्शन करने जाते कि नहीं जाते वो बाद में सोचते, पहले पहुँचते वहाँ। इधर देख सकते हो बारिश हो रही है और हमने लिया है छाता इधर से दुकान से, तो अभी प्रोटेक्शन के लिए तो हो गया है। देखते हैं अभी आगे बारिश ना हो तो अच्छा है। ₹70 वाला कौन बोलेगा, 150 रुपये दिया है गाइस, 150 रुपये। तो अभी चलते हैं आगे, सीधा सिद्धिविनायक मंदिर आएगा। सो वहाँ पे अगर बैठे तो बैठे, नहीं तो चले रहेंगे। कहीं पर बैठे नहीं हम लोग, सिर्फ ये लेने रुके थे छाता, तो इसी वजह से अभी थोड़ा ही आ गया है सिद्धिविनायक मंदिर, 1.5 किलोमीटर। तो चलते हैं। तो गाइस अभी पहुंच गए सिद्धिविनायक ब्रिज पर और इस तरफ है मंदिर गणपति बाप्पा का। सो अभी तो चल रहे हैं और करण और प्रकाश आगे चल रहे हैं, देख सकते हो। तो आगे ही हेल हमारा इंतज़ार कर रहा है सॉफ्ट ड्रिंक, तो चलते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक को पीते हैं क्योंकि एनर्जी पूरी डाउन हो गई गाइस। सो गाइस फाइनली चलते चलते आ गए सिद्धिविनायक मंदिर, ये रहा और हमारा हेल, देख सकते हो ये लोग हमारा हेल लेके खड़े हैं। सो अभी हेल का चिल आउट करेंगे और मजे लेंगे। सो देख सकते हो सभी लोग कितने फन में, हमारा भी ले भाई, ये ए अपने गाड़ी ताका का पास ही लाया तो चो हेल चलाओ आलू भाई। हेल तो पियेंगे, उसके पहले खाएंगे पानी पूरी, तो पानी पूरी खाएंगे अगर होगी तो। और वैसे तो पानी पूरी खाते नहीं है बट अभी थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, सो पानी पूरी खाने में कोई ऐतराज नहीं है। तो पानी पूरी खाएंगे और धूम मचाएंगे। यो ये आ गया सिद्धिविनायक गेट, मेन एंट्रेंस दिखा रहा हूँ आपको। तो देख सकते हो और यहाँ से मंदिर दिखेगा नहीं वरना दिखा देता। तो कोई नहीं खाते पानी पूरी, देख सकते हो हेल अपने आ गए और चिल आउट करने बैठे अपन लोग। अब इसको पीते हैं और फिर भागते हैं वापस। सो गाइज हमारा हील का खत्म ही नहीं हुआ था और
दूसरे और हिल सेवा में आ गए। सो अभी वो वाला हिल तो हजम भी नहीं हुआ है, तो फिर भी एक हिल आ गया है, मतलब एक एक तो नहीं सबके पास आ गए। सो अभी इसको रखेंगे अपनी गाड़ी में और शाम को पियेंगे। अभी तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की बाकी है कैंप अपना, तो कैंप पे जाते जल्दी और आराम करते, आराम ज़रूरी है भाई, कब से चल रहे हैं हम लोग, तो आराम करेंगे फिर कल निकलेंगे। अभी कल जाएंगे लगभग नागपुर के साइड, हाँ कल पूरा 30 या 35 किलोमीटर का पड़ाव है, तो अभी कल का देखेंगे क्या क्या नहीं। सो गाइस देख सकते हो अभी कैंप थोड़ी ही दूरी पर 100 मीटर और हम सब पहुंच गए हैं भाई 4 बजे, वरना यहाँ पे आते हैं हम 7 बजे, क्योंकि आज वेदर भी अच्छा था, नो मतलब सूरज एक बार भी नहीं निकला और थोड़ा रिमझिम बारिश हो रहा था, तो इसी वजह से छल्ले पे भी मज़ा आया, सब कुछ अच्छा रहा। अभी आराम भी आज बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इसी वजह की खुशी है कि आराम ज़्यादा मिलेगा तो कल भी अच्छा चल पाएंगे। सो अभी चलते हैं कैंप में और नहाने धोने का करते हैं कुछ अभी प्रोग्राम, क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो गया भाई देख सकते हो, और अभी भी हम भीगे ही हैं। ठीक है सो अभी जाते हैं और नहाते हैं। सो गाइस देख सकते हो अभी सभी लोग फ्रेश हो रहे हैं, हम लोग फ्रेश हो गए और फ्रेश होकर वही कपड़े पहन लिए, क्योंकि यार आज कुछ ज़्यादा चलना था नहीं, तो इसी वजह से फ्रेश होकर वही कपड़े पहन लिए, कपड़े भी अभी भीगे, तो बुखार ना आए तो अच्छा है। बाकी अभी आराम करेंगे खाने के टाइम पे, उठेंगे अभी थोड़ी एक मस्त चपातेदार नींद ले लेते हैं, उसके बाद खाने के टाइम पे उठते हैं। सो गाइस सो गए अभी उठे हैं, सो खाना खाने के लिए रेडी हो रहे हैं, और आवाज़ से लगी रहा होगा आपको कि सो के जस्ट अभी उठे हैं, सो खाना खा लेते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं। अभी खाना वाना खा के सभी लोग बैठे हैं, बातें बातें कर रहे हैं। सो देख सकते हो कुछ लोग सो रहे हैं, हाँ ये हमारे मनीष काका रणछोड़ काका, इनकी रिक्शा हर वक्त चलती ही रहती है सेवा में। तो भाई जब ही बातें करते हैं और थोड़ी देर में सोते हैं, जो हेलो गाइस अभी सोने का कर रहे हैं, थोड़ा बैठने के बाद आराम करने के बाद, तो देख सकते हो सभी लोग अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो सोते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।